भैया ये पंचवटी कितनी सुंदर है। मानव प्रकृति ने अपनी सारी समस्त शक्तियां इसके निर्माण पर न्योछावर कर दी है। ये संदेह बड़ा ही रमणीक स्थान है और गोदावरी के निर्मल जल ने इसे बिल्कुल ही निराला बना दिया। प्राणनाथ ये पक्षीगण कैसी मधुर तान छेड़ रही हैं और हिरणों की टोली कैसी प्रसन्न मुद्रा में चक्कर लगा रही है। भैया लक्ष्मण तुम जल्दी से फूल ले आओ ताकि हमारी इस कुटिया की शोभा और बढ़ सके। जो आ गया भैया। हे प्रिय मैं कुछ लीला रचना चाहता हूं अतः तुम अपने इस असली रूप को अग्नि में समर्पित कर दो। जो आज्ञा स्वामी। भैया आपका नाम। आयुष्मान भाव। भैया मैं फूल ले आया हूँ। बहुत अच्छा। इन फूलों को कुटिया की सजावट करो। जो आज्ञा भैया। जी महाराज आप कौन हो। अगर अर्चना हो तो अपने वश का परिचय करा दो। देवी हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। 14 साल वन भ्रमण को निकले हुए हैं। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और यह सीता मेरी भारिया है। मेरा नाम राम है और अगर उचित समझो तो आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मैं लंकापति राम की बहन हूँ। दुनिया की खूबसूरत सुंदरी हूँ। मेरे भाई यही रहते हैं।
मेरा नाम सोफन खां है। फिर आपका यहाँ पधारने का क्या कारण है? बस मैं तो यूं ही घूमती हुई आ गई। यहाँ आके तुम्हें देखा तुम भी दिल आ गया। बद्रे, हम फकीरों के साथ शादी की क्या धुन सुनाई है? बस अपनी तबीयत है, आई है वहां आई है। हम विवाहित हैं कुंवारे नहीं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवाय औरों को हम माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। जी, उनसे तो मैं दिलगी कर रही थी, मुझे तो आपसे मोहब्बत हो गई। वो आदमी ना आदमी की सूरत, भला उससे मुसाफा करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी इन चरणों को दो दो के पीऊंगी। वाह, मेरी खूबसूरती का क्या ठिकाना है? जैसी कि तुम जैसी चंद्रमुखी मर्ग देने की तबीयत मुझ पर आ गई। तो फिर देर किस बात की, कर लो ना शादी, चली जाओ यहां से बदकार। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मूड ये बातें करने में तुझको ना लाज आती है?
मुख से ये कहने से पहले पत्नी क्यों ना मर जाती है। ए जी आप मुझे क्यों हैरान करते हैं, क्यों व्यथा परेशान करते हैं? वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला इन बातों की उनको क्या पहचान। अपनी चेष्टाओं को संभाल कर बात करो और अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी मेरे साथ है। तुम लक्ष्मण के पास जाओ। देवी मैं तो उनका सेवक हूं, भला मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? तुम अपने कुल को कलंक न लगाओ। हे कुल कलंकनी निशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने शख्सों से कह दे, वह कदे ठोर कहीं तेरा। तुमने मेरे कुल को गाली दी है, जरा अपनी जुबान को लगाम दे। ये निगोड़ी है जो इनके साथ, ये मेरी इच्छा पूर्ति में बाधा है, इसीलिए पहले इसी को इसकी मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ और मैं अपना विकराल रूप लाती हूँ। Oh
और बेशरम औरत, अब तुम अपनी शक्ति का भेद जानती है। ठहर, तुझे अभी मैं जाते खाता हूं। अरे क्या है, बोतलें खाली हो गई, दार बंद हो गया। बोतल खाली होगी, बोतल यहाँ भी देगी, खाली होगी। आज कंट्री पे है। लगाओ में अब आज जितने बैंक लगाने म्यूजिक चाहिए के झूम बराबर झूम खराबी ठेकरे कर सो मोटी खराबी झूम बराबर झूम खराबी ज्यादा पिया कर खराबी हाँ शरीर की है आरा बर्बादी महाराज लोटे लिया कोई औरत रो रही है क्या नहीं रो रहा आपका जाओ और पता करो ये औरत क्यों रो रही है हरो कहीं ना ठेके लेके ना बोला रहा फिर होता नुगाई मत काम रहा नुगाई मत रहा वो खेल में देखो फिर रंग बात करके दो रोन लांग जाते ठंडे हो गए थे दो रोन लांग जाए मैं क्या उठने के लिए दो रोन लांग जाए दो किलो कम चुक दिया दो रोन लांग जाए बस मत करो जाओ और पता करो महाराज रहने दो रोहित का कोई ट्रेन चले कोई मोटे पे कोई दांत ठंडे का दस मैं प्रेम पर का बहुत कुछ निश्चल बन जाए लेकिन के जो फर्क रहते हैं क्यों क्या फुंडी अचेड़ो भरांगा आपने कोई कान बात मतलब की करो जाओ जाओ और पता लगाओ इस स्त्री कौन रो रही है अच्छा थे कि इसकी रोने कोई जगह था तो रोंदी देखी नहीं कोई अब कहना चाह डरती ने डांग मारी भी लगी चलो पतो जाओ जल्दी जाओ वो तो पतो कर लो उसे तो पतो कार नहीं पड़ सी जल्दी मैं तो दिशा कदा बकवास मत करो जाओ इन्हें उग की उगे क्यों कहनी देख शीतगी पीड़ी बेटा जरे 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 तीन तीन हुआ भेड़ी क्या क्या माल में झूठ रोवे थारो खेत खेत एक बात है चलो मैं तो रो बंद कर सी पर एक बात है पांच चार दिन हो गया रामलीला चार दिन काम बड़ा ठंडो चालन लाग रही एक एक किलो के चुकाई अगर रामलीला का नहीं बुलावा करो नहीं तो ऐसा मेकअप वाला फिर भी पड़ रहा है रिक्ता आप बोल रहे हैं
ना रोवे ना ले रोवे दस रुपया रो तो मैं बनवासी अमित प्रीत
राजकुमार से लाते हैं। नाग देख राम दिल से रचन बचलाते हैं। उनकी जो मंजूरे नजर है सीता का उसे बुलाते हैं। अभी चिका मजा उन्हें राजकुमार कहलाने का। मेरे इलाके में आकर मुझ पर याद करने का कि पीठ भट्टी बड़ी है बुआ गया अब तो पीठ की है। हाँ हाँ मालूम हो गया कि वह वनवासी जही के डॉक्टर में कपास खा गए हैं। मैं अभी ले मजा चकाता हूं। नहीं नहीं मैं खुद सोच जाऊंगी। चार चार कोई रंग से लेके के साके जी से ए सिंह सा लेके तो उनका फूल पीकर प्यास बुझाऊंगी। ओ प्यास बुझाऊंगी अगला नाकन काटे इसके अंदर बना दे। ये गलती अजय बन प्यास आ बाकी रहेगी ना कहीं कोट प्यास ना लगे बात में ऊपर छुट्टी के और चलो चलो क्या ना जाओ ये कहते जी मैं नहीं दुबई पता ही सदा तो मैंने कहा जाओ कहा तुम्हें नहीं ले जाओ कहा मैं ले जाओ लड़ाई का मां आगे तो आपको ना कर कर के खड़ी है। अब के सजा होती से जितनी सी और कौन जाने दीगी तुम आराम करो आके जो आराम करो बैठे फोन फोटो चले गाओ है संगे दिशो भाई तुम आराम करो तुम्हें भलाई जाएगी।